यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद में बीजेपी के जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के जरिए अधिकारियों का रिपोर्ट कार्ड जानने पहुंचे। कार्यक्रम का मुख्य फोकस कानून व्यवस्था की स्थिति पर था। मेरठ रोड स्थित आरकेजीआईटी के हॉल में हुई इस बैठक में 19 जिलों के 14 सांसद और 59 विधायक और संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी भाग लेने पहुंचे। हाल ही में फरीदाबाद में बीजेपी अध्यक्ष और आरएसएस के पदाधिकारियों की मीटिंग में तय किया गया था कि 2019 के लोकसभा चुनाव में ऐसी रणनीति बनाई जाए जिससे पार्टी 300 से अधिक सीटें जीत सके। इसके बाद से संगठन आम आदमी तक पहुंचने के लिए कभी विधायक आपके द्वार तो कभी संपर्क से समर्थन तक अभियान चला रही है। इनके माध्यम से जनता को केंद्र सरकार की उपलब्धियां बताई जा रही हैं। गांव में से 12,000 से अधिक गांव में सफलतापूर्वक यह आयोजन दूसरे चरण में हुआ, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता केराना और नूरपुर चुनाव में व्यस्त थे। पहले चरण के कार्यक्रम में वे लोग भागीदार नहीं बन पाए थे, इसलिए उन लोगों का आह्वान करने के लिए कि योजनाओं का लाभ किस रूप में दिया जा सकता है, एक बेहतर पहल भी। दूसरा, कैसे हम पिछले 4 वर्षों के दौरान आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने 115 से अधिक लोक कल्याणकारी लाभार्थी परियोजनाएं पूरे देश के अंदर चलाई। इन योजनाओं का केंद्र बिंदु गांव है, गरीब है, किसान है, महिलाएं हैं, नौजवान हैं। इन योजनाओं का लाभ साथ साथ प्रदेश सरकार ने फसली ऋण मोचन का, किसानों के बगौर सीमांत किसानों के ऋण माफी के जो कार्यक्रम प्रारंभ किए।